चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम डे एंड नाइट. व्हाट डू यू मीन बाय डे एंड नाइट? मींस दिस पीपल्स आर वर्किंग इन अ डे एज वेल एज इन द नाइट ऑल्सो. हाउ, कैसे, दैट वी विल सी. माय नेम इज वैशाली, अंडरलाइन वैशाली. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गर्ल? कैन यू सी द गर्ल इन अ पिंक टी शर्ट? The name of this girl is Vaishali and she is telling the story to us about from market to home. Who is telling the story in this chapter to us? Vaishali is telling. So this is the Vaishali. My father is a vegetable seller. What Vaishali is telling? That my father is a vegetable seller. Underlined vegetable seller. Okay student, can you tell me what do you mean by vegetable seller? Vegetable seller kisko bolte hain? The person who sell the vegetable. Jo insaan vegetable sell karta hai, usko bola jata hai vegetable seller. Got it? So Vaishali ke jo father hai, he is a vegetable seller. Wo bazaar mein, market mein vegetable sell karte hai. My whole family का मतलब है कौन कौन, who all comes in the whole family. अम्मा, भैया, who all comes in the whole family? अम्मा, भैया, छोटू and I help him with his work. What Vaishali is telling के who helps my father? मेरे father को कौन कौन help करता है उनके काम के लिए? मैं help करती हूँ, मेरी अम्मा help करती हैं और मेरे भैया और छोटू भी help करता है. Now who all are they? See, he is Vaishali father. ये Vaishali के father है. She is Vaishali mother. ये Vaishali की mother हैं. He is Bhaiya. Vaishali के बड़े भाई हैं. She is Vaishali and he is Chotu. Chotu मतलब घर का सबसे छोटा बेटा है. यानी सबसे पहले भैया, भैया के बाद Vaishali, Vaishali के बाद Chotu. तो ये सभी लोग, all these five members help each other to do the work. Now see the next. अब हम next पढ़ेंगे. Help him with his work. Can you guess at what time we began our work? What Vaishali is telling के आप हमें बता सकते हो कि हम early morning में कितने बजे उठकर अपना काम करते हैं? ऐसा कौन बोल रहा है? Who is telling? Vaishali is telling this. कि टेल मी दैट एट वॉट टाइम वी यूज टू वेक अप एंड डू अवर वर्क. अंडरलाइन मॉर्निंग 3 o'clock मतलब सुबह के 3 बजे वैशाली, वैशाली मदर, वैशाली फादर एंड वैशाली ब्रदर एंड इवन समटाइम छोटू, दे ऑल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 3 o'clock. 3 बजे के उठकर वो लोग क्या काम करते हैं? What work they all are doing? See, when most people are fast asleep, 3 बजे ऐसा टाइम है मॉर्निंग का कि उसमें बहुत सारे लोग गहरी नींद में सोते हैं. They all sleep in a silent sleep. We start our work. We start our work doing at morning 3 o'clock. उठकर we start doing all the work. Which work they do the first? सबसे पहला कौन सा काम वो सबसे पहले करते हैं? Which work? Our day work began when Babuji, Amma, Bhaiya and I means Vaishali. Who all wake up? सुबह कौन कौन उठता है? बाबूजी means father, अम्मा means mother, भैया and I means वैशाली.
Take out the previous day vegetables. Underline previous day vegetable. स्टूडेंट दैट मीन्स सबसे पहले जो वो 3 बजे वो लोग उठते हैं तो मुंह हाथ धोकर सबसे पहले दे टेक आउट द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स. प्रीवियस डे वेजिटेबल्स मीन्स व्हाट? वो वेजिटेबल्स जो अगले दिन बच गए हैं, उसको हम सेल आउट नहीं कर पाए हैं, वो कुछ वेजिटेबल्स बच चुके हैं जिनको वो सेल आउट नहीं कर रहे हैं, उसको सबसे पहले गनी बैग में से और बास्केट में से निकालते हैं. सीयर सबसे पहले वो, दिस इज द बास्केट, दे टेक आउट ऑल द वेजिटेबल्स फ्रॉम द बास्केट एंड द गनी बैग. प्रीवियस डे, प्रीवियस डे मतलब अगले दिन के जितने भी वेजिटेबल्स हैं जो सेल आउट नहीं हुए हैं, बीके नहीं हैं, उसको सारे बास्केट में से और गनी बैग में से वो लोग निकाल कर अलग कर देते हैं, मतलब साइड पर रख देते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट. दिस इज टू प्रिपेयर फॉर बीइंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी. व्हाई दे डू दिस? इसको ऐसा क्यों करते हैं? व्हाई? क्यों पुराने वेजिटेबल्स, अगले दिन के वेजिटेबल्स वो लोग बास्केट में से और गनी बैग में से क्यों निकाल दिए? व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज दे हैव टू ब्रिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी टुडे. क्योंकि दूसरे दिन वो फ्रेश वेजिटेबल्स लेने के लिए जाते हैं मंडी. व्हाट डू यू मीन बाय मंडी? अंडरलाइन मंडी. मंडी मीन्स अ बिग मार्केट where we get the vegetables in the wholesale price. Student, we live in the Bharuch, right? And in the Bharuch, there is a very big market of the vegetable in Mammadpura. Have you seen that market near the Mammadpura? Yes. Right? There is a very big vegetables and the fruit market. So all the small vendors who sells the vegetables, they used to go to the mandi, means to a very big market to buy the fresh vegetables from the mandi. Sometimes Chotu also help us. Now what her sister is telling, that sometimes Chotu also help us. He is Chotu, right? The t-shirt, who is wearing the yellow color t-shirt, he is the Chotu. Sometimes he wake up at 3 o'clock. And then also he started helping us sometime, not every day, sometime. As we finish doing this means what? जैसे ही हम ये काम को खत्म करते हैं, as we doing finish this and are having some tea, underline having some tea. जैसे ही हम इस काम को फिनिश करते हैं, कौन सा काम? प्रीवियस डे के वेजिटेबल्स को गनी बैग और बास्केट में से निकाल कर हम अच्छे वाले को एक साइड पे रख देते हैं. द वेजिटेबल्स विच आर रॉड, मतलब जो ख़राब हो चुके हैं, हम उसको निकाल कर डस्टबिन के अंदर वी थ्रो आउट, हम उसको फेंक देते हैं. आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, ये काम ख़त्म करने के बाद तुरंत We used to drink the tea. हम तुरंत चाय पीते हैं. चाय पीते पीते ही we can hear the horn. हमें टेम्पो का हॉर्न सुनाई देता है. What happened after that? It is time for Babuji means father, भैया and Chachu means uncle. कौन कौन जाता है? Babuji, father, भैया and uncle. And some others from our street to leave for the mandi. Mandi के लिए सुबह 3 बजे हम उठते हैं, previous vegetables को हम अलग करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं. जैसे ही चाय पीते हैं, we heard the horn of the tempo. हमें tempo का horn सुनाई देता है. And then at that time, my babuji, my bhaiya and my uncle means chachu used to sit in the tempo and the few others people of my street means society, they all sit in the tempo and then they go to the mandi. Mandi means where the vegetables are selling in a large number of scale. Got it?
By 7 o'clock, Babuji arranged all the vegetables on the handcart. What he is telling? Okay, by 7 o'clock, I have to arrange all the vegetables in the handcart. Handcart किसको बोला जाता है? This is known as handcart. Can you see this lorry? जो लारी होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेजिटेबल्स, सो दिस इज नोन एज हैंडकार्ट. हैंडकार्ट मतलब लारी, जिसके अंदर वी अरेंज ऑल द वेजिटेबल्स एंड देन वी गो फॉर द सर्विंग ऑफ दिस वेजिटेबल्स. नाउ सी द नेक्स्ट हैंडकार्ट फॉर द बाजार. ही सेज दैट इफ ही इज लेट. बाबूजी क्या बोलते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊंगा बाजार पहुंचने के लिए, बाजार जाने के लिए, व्हाट विल हैपन? देन हिज रेगुलर बायर्स, अंडरलाइन रेगुलर बायर्स, हिज रेगुलर बायर्स, उनके जो रेगुलर बायर्स है वो क्या हो जाएंगे? मे बाय दिस वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स. व्हाट बाबूजी इज टेलिंग कि मेरे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो हर रोज़ मेरे पास आके वेजिटेबल्स लेते हैं, दे यूज़ टू कम टू मी एंड दे यूज़ टू बाय द वेजिटेबल फ्रॉम मी. इफ आई वुड बी लेट टू गो टू द बाजार फॉर सेलिंग द वेजिटेबल्स, व्हाट विल हैपन? माय रेगुलर कस्टमर विल बाय द वेजिटेबल्स फ्रॉम समवेयर एल्स एंड दे विल नॉट कम टू मी. So it is very necessary for me to reach to the bazaar on time. इसलिए बाबू जी बोलते हैं कि बाजार टाइम पर जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. As soon as बाबू जी leave, what वैशाली is telling कि जैसे ही बाबू जी मार्केट के लिए जाते हैं, he leaves the to go to the market. I quickly get ready. वैशाली क्या बोलती है? मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर I quickly get ready. I have to reach the school by 7:30 AM. Underline वैशाली have to reach the school at 7:30 AM. जैसे ही बाबूजी 7 बजे बाजार के लिए जाते हैं, मैं फटाफट नहा धोकर नाश्ता वास्ता सब कुछ करके रेडी करके I used to leave to the school for 7:30 AM. Why? Because what is the her school time? Her school time is 7:30. She have to reach to the school till 7:30. Now see the next. Now in the bazaar. Now we are going to see about the bazaar, that what happened in the bazaar. Chotu, who was there? He was the small brother of Vaishali. Chotu attend school in the afternoon. छोटू का जो स्कूल है वो कितने बजे स्टार्ट होता है? आफ्टरनून, यानी दोपहर में. ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज टू द बाजार लेटर विद द फूड ऑफ फॉर बाबूजी एंड भैया. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दैट छोटू का स्कूल का टाइमिंग है वो दोपहर का टाइमिंग है, वो दोपहर को स्कूल जाता है. इसलिए व्हाट हैपेंड दैट छोटू carry the tiffin box of for babuji and for bhaiya. Lunch means chotu used to carry the lunch of babuji and bhaiya, and while going to the school jaate jaate he used to go to the bazaar and then he used to give the tiffin to his father. Can you see this one? Aap ye dekh sakte ho. Can you see this bag? This bag is the tiffin of the for father and for bhaiya. Who gave this bag? Chotu used to give. While Chotu used to go to the school, जब वो school जाता है तो school जाने से पहले वो बाजार आता है, बाजार में पापा को टिफिन देकर जाता है जिसमें पापा और भैया का लंच है, खाना है. Then what happens? See, he stays with them. वहाँ पर वो थोड़ी देर रुकता है उनके साथ. At the vegetable cart, lorry पर थोड़ी देर बैठता है वहाँ पर. Until it is the time for him to go to the school. जब उसके स्कूल का टाइम होता है तो छोटू वहाँ से सीधा कहाँ चला जाता है? उसके स्कूल चला जाता है. Sometime he go back after the school to help Babuji. कभी कभी स्कूल छूटने के बाद द छोटू है, जो छोटू है वो वापस कहाँ जाता है?
बाजार में जाता है. वाई? टू हेल्प हिज फादर. वेजिटेबल्स को सेल आउट करने के लिए, उसके फादर को हेल्प करने के लिए. वेयर ही यूज टू गो? ही यूज टू गो बैक टू द वेजिटेबल मंडी टू हेल्प हिज बाबूजी. बाबूजी ट्राई टू सी दैट द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट. नाउ व्हाट बाबूजी इज ट्राइंग टू डू कि अगले दिन के जो वेजिटेबल्स है जिनको उन्होंने क्लीन करके सुबह 3 बजे रखा था, अच्छे वाले निकाल कर और जिसके ऊपर उन्होंने पानी डालकर उसको क्लीन कर दिया था, तो बाबूजी इज ट्राइंग टू सी दैट कि द वेजिटेबल्स आर यूज टू सेल फर्स्ट. अगले दिन के जो वेजिटेबल्स है वो बाबूजी ध्यान रखते हैं कि वो वेजिटेबल सबसे पहले वो क्या करें, उसको सेल आउट करें. अगर बाबूजी उसको पहले बेचेंगे नहीं, उसको सेल आउट नहीं करेंगे, देन व्हाट हैपन, इट कैन बी स्पॉइल होल. वो जितने भी अगले दिन के वेजिटेबल्स है वो ख़राब हो सकते हैं. ये स्टूडेंट, बिकॉज दे हैव टू स्टैंड इन द हॉट, उनको गर्मी में खड़ा रहना पड़ता है, सन के अंदर खड़ा रहना पड़ता है, और धूप की वजह से जो वेजिटेबल्स है वो क्या हो जाते हैं, सोक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. और दिस आर द वेजिटेबल्स ऑफ प्रीवियस डे, तो अगले दिन के तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे. इसलिए जैसे ही बाबूजी मंडी जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, वो सबसे पहले कौन से वेजिटेबल्स को सेल आउट करते हैं, अगले दिन वाले जो वेजिटेबल्स हैं जिनको एक अलग से बास्केट में रखा था, उस बास्केट के सारे वेजिटेबल्स को सबसे पहले सेल आउट कर देते हैं. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल गेट सोल्ड, जैसे ही प्रीवियस डे के वेजिटेबल्स सारे बिक जाते हैं, सोल्ड हो जाते हैं, बाबूजी टेक आउट द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द रैक्स एंड पुट देम इन द कार्ट. मतलब जैसे ही लारी के ऊपर अगले दिन के वेजिटेबल्स सारे सेल आउट हो जाते हैं, बाबूजी उनको बेच देते हैं. आफ्टर दैट ही यूज टू टेक आउट द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द बैग. गॉट इट? वी ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल. वॉट इज भैया इज टेलिंग, वैशाली क्या बोल रही हैं कि हम जो वेजिटेबल्स है उनके ऊपर क्या डाल देते हैं, वाटर को अगेन एंड अगेन स्प्रिंकलिंग करते हैं. स्प्रिंकलिंग का मतलब वाटर्स को हम उनके ऊपर कंटिन्यू डालते रहते हैं टू मेक द वेजिटेबल्स फ्रेश. गॉट इट? नॉट ड्राई अप, और वो अच्छे से ड्राई भी ना हो जाए उसके लिए, बिकॉज एक्सपेक्टिंग इन समर. और सबसे ज़्यादा हम ये समर में बहुत ध्यान रखते हैं, बिकॉज इन द समर इट इज़ टू मच हॉट, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी ऑलवेज स्प्रिंकल द वॉटर ऑन द वेजिटेबल्स. बाबू जी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे. पूरा दिन खत्म होने के बाद जो बाबू जी और भैया है वो घर तब आते हैं. Only around 10 o'clock at night. Oh my God. At what time they return? They return 10 o'clock in the night. वो कितने बजे आते हैं? They come 10 o'clock in the night. Underline. वो सुबह के 7 बजे से बाजार जाते हैं vegetables sell out करने के लिए. And then he come back again at 10 o'clock at the night. By that time, छोटू एंड आई आर असलीप. वॉट वैशाली इज टेलिंग कि जब पापा वापस घर आते हैं तो छोटू और मैं दोनों सो जाते हैं. वी आर असलीप बिकॉज दे आर वेकअपिंग एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. एवरी वन एल्स स्लीप अराउंड 11 or 11:30 एट नाइट. मीन्स सभी लोग 11:30 or 11:30 तक सो जाते हैं. अंडरलाइन दैट 11 or 11:30. अंडरलाइन दैट at night. And at 3 o'clock next morning also 4 hours late our family is up again. Another day has begun. Means what they are telling कि वापस से रात को 11:30 बजे तक हम सो जाते हैं, अगले दिन दोबारा वापस से 3 बजे हम उठते हैं, प्रीवियस डे वेजिटेबल्स को साफ करते हैं,
थोड़ी देर के बाद चाय पीते हैं, आफ्टर दैट पापा मंडी जाते हैं, वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, हम उसको वापस सॉर्ट आउट करते हैं, पापा 7 बजे वापस बाज़ार चले जाते हैं वेजिटेबल्स को सेल आउट करने के लिए, मैं स्कूल चली जाती हूँ 7:30 को, छोटू जो है वो उनको लंच देने जाता है, लंच देने के बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल से कभी कभी वो वापस भैया को हेल्प करने के लिए बाज़ार जाता है, पापा रात को 10 बजे आते हैं, मैं तब तक मैं और छोटू जो है वो सो चुके होते हैं, मम्मी पापा और भैया 11:30 रात को सो जाते हैं। तो ये एवरी डे दिस इज़ द सेम रूटीन द वैशाली फैमिली यूज टू डू अगेन एंड अगेन। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सेम रूटीन वो लोग हर रोज़ उसको ही रिपीट करते हैं। सो स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम द मार्केट टू होम। नाउ देयर इज़ एन फ्यू टेक्सुअल एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल वैशाली एट वॉट टाइम शी यूज टू वेक अप एंड वॉट इज योर टाइमिंग, वैशाली मॉर्निंग में कितने बजे स्कूल जाती है, योर टाइमिंग, रात को वैशाली कितने बजे सो जाती है एंड योर टाइमिंग। सो दिस इज योर एच डब्ल्यू, दिस इज योर एच डब्ल्यू, दिस यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ। ओके, यू ऑल नो दैट एट मॉर्निंग वैशाली यूज टू वेक अप एट 3 AM, वॉट इज योर टाइम, वैशाली यूज टू गो टू द स्कूल मतलब 6 o'clock शी यूज टू डू हर ब्रेकफास्ट, चाय वो पीती है, वॉट इज योर टाइम टू हैव अ मिल्क, वैशाली यूज टू स्लीप एट 10 o'clock, वॉट इज योर टाइम टू स्लीप, यू हैव टू राइट हियर। ओके, सो दिस इज योर एच डब्ल्यू। नाउ ऑन ट्यूजडे इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी दैट इज ऑन पेज नंबर 1, 2, 3। So you all have to take the color with you while live class, and then we are going to do the color in all these vegetables. First we will identify the vegetables, that which vegetables and fruits are there. After doing identification, after identification all these vegetables, we will do the color inside. For example, this is potato. What is the color of a potato? This is banana, carrot, cauliflower, right? This is tomato, this is apple, even this is apple, this is brinjal, right? So all these fruits and vegetables, we will be doing the color on the next class. Till then, take care of yourself. We have completed our class here.